नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज़। प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर हूं आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत खास खबरों से। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए एक मंच पर एकजुट हुए साधु संत। एक सुर में कहा, शीघ्र होना चाहिए भव्य मंदिर निर्माण। सत्ताईस नवंबर से शुभारंभ होने जा रहा श्यामा नामधुन नवा यज्ञ। 1000 अर्थ कन्याओं द्वारा निकलेगी कला शोभा यात्रा। और पेंशन अदालत लगाकर संस्कृत विश्वविद्यालय में पेंशनों की सुनी फरियाद। कुलपति ने समाधान का दिया आश्वासन। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा। वातानुकूलित लाइब्रेरी, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। सारी खूबियों से भरपूर शहर का एकमात्र स्कूल कार्लोस नेशनल स्कूल, मिथिलान चौक, दरभंगा। अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो कार्लोस नेशनल स्कूल में नामांकन अवश्य कराएं। कॉन्टैक्ट 9473369448। जो स्टूडेंट किसी भी कारण 10th या 12th की बोर्ड की तैयारी नहीं कर पाए हैं, उस सभी स्टूडेंट के लिए आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट लेके आया है क्रैश कोर्स। बचे हुए कम समय में प्रतिदिन 6 घंटे का क्लास होगा और सभी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ टीचर के द्वारा बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 29 नवंबर एंड 6 दिसंबर। कॉन्टैक्ट 9308296082840983370979। और खबरें अब विस्तार से। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दरभंगा में एकजुट हुए साधु संत। सभा में साधु संतों के साथ हजारों के संख्या में राम भक्त भी शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित इस धर्म सभा में सभी ने एक सुर में कहा, शीघ्र भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दरभंगा में एक मंच एकजुट हुए साधु संत। धर्म सभा में साधु संतों के साथ हजारों की संख्या में राम भक्त भी शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित इस धर्म सभा में सभी ने एक सुर में कहा, शीघ्र भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। मंच संचालन कर रहे राम जन्मभूमि का मुकदमा किससे करवाया? एक कुमार अंसारी है, वो फुटपाथ पर साइकिल बनाता है हमें अपमानित करने के लिए, हमें देवताओं को अपमानित करने के लिए उससे मुकदमा कराया हुआ है। बंधुओं, ये हिंदुओं का अपमानित आज से 900 वर्ष पूर्व से ये सिलसिला चलता रहा। महल बना के एसी लगा के रहते हैं। मेरा राम लला जी उस पर्दा के अंदर बैठा है। अब ये जितना भारत वर्ष का संत है, महंत है, एक
भी नहीं मानेगा और हर जगह आंदोलन प्रारंभ किए हैं और ये होता रहेगा जब तक मंदिर नहीं बनेगा। इसलिए कि जब तक भारतवर्ष में कभी भी कोई विपत्ति आता है तो जब संत महात्मा अस्त्र उठाते हैं तभी ये शांत होता है। तो हम जब तक अब मंदिर नहीं बनाएंगे तब तक शांत नहीं होंगे। लगभग 500 वर्षों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का संघर्ष चल रहा है। अभी 2010 से देश के सर्वोच्च न्यायालय में यह विषय निर्णय के लिए आया था। 8 वर्ष बीतने के बाद 29 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम इसकी सुनवाई जनवरी में करेंगे। जनवरी की कोई तिथि नहीं बताई, बेंच नहीं बनाया, केवल 3 मिनट में एक सूचना दी कि जनवरी में करेंगे। कब करेंगे वो तिथि बाद में तय करेंगे। जब राम जन्मभूमि न्यास के वकील ने विषय उठाया तो उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकताएं अन्य हैं। तो जिनकी राम जन्मभूमि प्राथमिकता में नहीं है, सवा अरब हिंदुओं की आस्था का विषय जिनकी प्राथमिकता में नहीं है, उनके भरोसे हम रामलला का विषय नहीं छोड़ सकते। इसलिए 5 अक्टूबर को दिल्ली में संतों की बैठक हुई और संतों ने तय किया कि इस विषय को लेकर के कानून बनाने की मांग संसद से करनी चाहिए। इसलिए उसी दिन राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया, दूसरे चरण में सभी राज्यपालों को ज्ञापन दिया गया, अभी तृतीय चरण में सभी संसदीय क्षेत्र में सभा करके सभी सांसदों से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया जा रहा है। एक एक लोगों को जो इस देश से प्रेम करते हैं उन सबके मन में आस्था है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ और भगवान श्री राम वहाँ विराजमान है। लेकिन हमारे भगवान श्री राम झोपड़ी में हैं, त्रिपाल में हैं, उनके लिए एक ऐसा भव्य महल बनना चाहिए। वह भव्य महल विश्व में किसी के लिए नहीं बना हो, ऐसा जो हम भगवान श्री राम भगवान रामलला का हम जो है महल चाहते हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय कसाब के लिए रात में 12 बजे सुनवाई करता है और भगवान श्री राम के 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है, एकदम अविलंब माननीय उच्चतम न्यायालय को भी रात में 12 बजे जागकर और भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है जहां भगवान श्री राम त्रिपाल में है वहां भव्य मंदिर बनाने का आदेश देना चाहिए। और आज पूरे देश में, दरभंगा में ही नहीं, पूरे देश में जो है आज धर्म सभा हो रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने उसके लिए समस्त मिथिला वासी के शांत महंत तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं मंदिर कब बनेगा, बहुत जल्द हम लोग न्यायालय को देख रहे हैं और समस्त 100 करोड़ देशवासी हिंदू के जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अब उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। यदि अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर नहीं बने तो क्या पाकिस्तान में बनेगा राम जन्मभूमि? आज लोगों का जो भावना है उस भावना को देखते हुए हम आग्रह करेंगे सरकार से भी जो इस धर्म सभा के माध्यम से जो सरकार इस के लिए सोचे और अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण करे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति की ओर से श्यामा नामधुन नवा यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा। 27 नवंबर को मंदिर परिसर से 1008 कन्याओं द्वारा वार्ड पार्षद मधुवाला सिन्हा के संयोजन में कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यज्ञ का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति की ओर से श्यामा नाम धुन नवा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा। 27 नवंबर को प्रातः 8 बजे 1008 कन्याओं के द्वारा वार्ड पार्षद मधुवाला सिन्हा के संयोजन में कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो आयकर चौराहा हसनचक
टावर भगवान दास मोहल्ला खनका चौक मलिक्ष मर्दनी मंदिर एवं गौशाला होते हुए 10 बजे मंदिर वापस पहुंचेगी। पूर्वाहन 10 बजे मंदिर में यज्ञ का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह एवं प्रोफेसर सर्व नारायण झा तथा जिलाधिकारी सचिव न्यास समिति डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं आईजी पंकज कुमार दरा तथा वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक के साथ अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। इस अवसर पर मां श्यामा संदेश नामक वार्षिक पत्रिका एवं 2019 का कैलेंडर भी लोकार्पित किया जाएगा। श्यामा मंदिर न्यास समिति के प्रबंधक डॉक्टर चौधरी हेमचंद राय ने तमाम जानकारी दी। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के तरफ से श्री नवाह यज्ञ श्यामा नाम धुन के तैयारी अंतिम चरण में चल रहा है। पंडाल वाला, लाइट वाला, सफाई कर्मी जहाँ तहाँ सब काज में सब लागल छथि। आयोजन समिति के 21 सदस्यीय कमिटी के जते लोग छथि, विनोद बाबू छथि, विद्यानंद बाबू छथि, सह सचिव प्रोफेसर श्रीपद त्रिपाठी जी छथि, संयोजक रमेश झा जी, राजेश्वर पासवान जी, ईसब सबके सब लागल छथि। कार्य बहुत गति में चल रहा है और ये नवाह यज्ञ 1988 ईस्वी से चल रहा है और ये नामधुन में समस्त मिथिला के लोग के अतिरिक्त संपूर्ण बिहार, संपूर्ण भारतवर्ष में जत कतौ श्यामा भक्त रह रहा है सब ये भाग ले छे। सब के हम से आग्रह करे छी, निवेदन करे छी, जहाँ लोग निश्चित रूप से 27 तारीख से जो नामधुन हेतै और वो कार्यक्रम 6 दिसंबर तक चलते हुए निश्चित रूप से अहाँ लोग आबी और मैया से आशीर्वाद प्राप्त करी। पड़ोसी राज्य नेपाल छे, नेपाल से काफ़ी तादाद में अहाँ के श्यामा भक्त आबै छथि, हुनको लोग से आग्रह जहाँ लोग निश्चित रूप से ओहि समय में आबि कऽ से मैया से आशीर्वाद प्राप्त करी और तैयारी के से समीक्षा चल रहा है। प्रशासनिक स्तर पर से आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और आईजी महोदय, एसएसपी महोदय सबके सब से यही सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग कर रहा छथिन। कतौ कोनो हमरा सबके से भक्त कोनो असुविधा नहीं होए, एकर हम सब प्रयास रखैत से प्रवेश द्वार महिला के अलग, पुरुष के अलग, मुख्य जे थाना के बगल वाला द्वार छे पश्चिम से लड्डू वाला दुकान के सामने जे द्वार छे सब प्रवेश और अन्नपूर्णा मंदिर के बगल वाला और पूर्व तरफ जे गेट छे ते गेट से निकासी के व्यवस्था है। आया था 27 तारीख के सुबह में, 27 तारीख सुबह में 8 बजे से तसे निकलत हसन चौक दरभंगा टावर हुए गौशाला मलक्ष मर्दनी हुए से मैया दरबार में 10 बजे तक आबि जाए। 10 बजे से लकर से अहाँ के श्यामा संदेश के लोकार्पण और 2019 के कैलेंडर के लोकार्पण हैत। ओकर बाद अहाँ के प्रधान पुजारी द्वारा से अग्नि स्थापन और फिर कीर्तन मंडली के पूजन करे नाम जप के प्रारंभ 11:30 बजे से प्रारंभ हो जाए। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। संस्कृत विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। कुलपति कार्यालय में डॉक्टर सर्व नारायण झा ने पेंशनों की सुनी समस्याएं। सामान्य रूप से संस्कृत विश्वविद्यालय के जितने सेवानिवृत्त कर्मी हैं, अधिकारी हैं या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, सबों को सेवांत लाभ का भुगतान किया जा चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पुराने ऐसे केसेज छूट गए होते हैं जिसमें जो संबद्ध कर्मी है या अधिकारी है जो सेवानिवृत्त हुआ है उनके तरफ से ढिलाई है, तो उस तरह के भी मामले अगर हमारे प्रकाश में आए हैं किसी माध्यम से, स्वयं उसने उपस्थापित नहीं भी किया है, तो उन मामलों को यहाँ हम लोगों ने रखा है कि भूले भटके भी यदि किसी का केस ऐसा रह गया होगा तो उसको भी आज के दिन निस्तारण कर देंगे और हर महीने इसलिए एक दिन पेंशन अदालत लगाते हैं। यदि किसी का कोई ग्रीवांश है तो वो आवे और उसका तत्काल निस्तारण कर दें, हम सभी अधिकारी एक जगह बैठे हुए हैं इसीलिए। और यदि ऐसा नहीं है तो भूला भटका कोई अगर छूट गया है और हम लोगों के नोटिस में कभी बात आ जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उसका निस्तारण कर देंगे बिना पिटिशनर के आते हुए आरोपी पर भी। यदि कोई कर्मचारी नहीं आया है और उनका हमारे संज्ञान में बात आ गई है तो
तो उसका भी हम निस्तारण कर देंगे। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में कौमी एकता सप्ताह के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में कौमी एकता सप्ताह के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शहादत के बाद जो सांप्रदायिक और क्षेत्रीय असंतुलन इसमें उभरा था, उसे निजात पाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला था, जिसको राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित गतिविधियों में शामिल किया गया है। और खासकर भारत अपने आप में एक अजूबा देश है। मैंने अभी आप लोगों को विस्तार से इसके बारे में बताया, मैं इसमें बहुत कुछ ज्यादा ऐड करते हुए नहीं ये कहना चाहूंगा कि आज देश में अगर देखा जाए तो भारतीय सेना जो है, सशस्त्र सेना है, चाहे वो स्थल सेना हो, वायु सेना हो या नौ सेना, ये कौमी एकता का ज्वलंत उदाहरण है। पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मैं कौमी एकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित इस सेमिनार में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ, और इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 60 नोटिस पे आप लोग यहाँ पे उपस्थित हो सके। मुख्य वक्ता ने ठीक ही कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, इन विविधताओं के बावजूद भी ये एकता पे टिका हुआ है। वास्तव में अगर आप देश की विविधता का दर्शन करना चाहते हैं तो आप पूरे देश का भ्रमण करिए, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू तक या महाराष्ट्र से लेकर के अंडमान निकोबार और जो उत्तर पूर्वी प्रदेश है नागालैंड भी दौरान, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा देश कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। वो सांस्कृतिक विविधता हो सकती है। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। इंजीनियर नमोनाथ लिखित मैथिली उपन्यास सातम आसमान और दोसर अहिल्या का लोकार्पण आगत अतिथियों ने किया। इससे पूर्व समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इंजीनियर नमोनाथ लिखित मैथिली उपन्यास सातम आसमान और दोसर अहिल्या का लोकार्पण आगत अतिथियों ने किया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कई तरह ब्लॉग साहित्यों में इंसाइक्लोपीडिया ज्ञान कोश दिए हम बोलते कोशिश करो तो 2050 तक जबकि किनको मोन है वो बहुत दोनों पुस्तक जो आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं अपने आप में एक जिसको कहते हैं ना कि मील का पत्थर बनने जा रहा है। नमोनाथ जी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हुए और इन्होंने इतनी बड़ी परिकल्पना की है तो यह सबों को पढ़ना चाहिए। कहा जाता है ना कि हमारी जो सोच होती है उसका कोई छोर नहीं होता और उसका कोई मतलब अंत नहीं होता, तो मैं इसको इसी सिलसिले में देखता हूँ कि मनुष्य की परिकल्पना कितने अधिक दूरी तक जा सकती है कि इसका जिसका कोई आयाम नहीं। आप सब पढ़िए। सबसे पहली बात तो धन्यवाद इंजीनियर रमनाथ साहब के कि पूर्ण वैज्ञानिक रहित साहित्य सृजन में लागल छथि, पहिने से कह रहा छला सेवानिवृत्त के बाद लोग आराम करो चाहिए आ वो पूरा साहित्य में लागि गया है और लगातार हर पोथी आबि रहा है, दूटा पोथी आ एक संग लोकार्पित भ रहा है आ से लोकार्पित भ रहा है वैज्ञानिक पद्मश्री भारतक रत्न मानस बिहारी वर्मा द्वारा, भारतक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक
योगिन पाठक योगी द्वारा मैथिलीक बड़का विद्वान नदी जी भीमनाथ झाजी के द्वारा पंचानन मिश्र द्वारा और ये पोथी है से वास्तव में वैज्ञानिक सोच के द्वारा लिखल दुनू पाठक अठम विद्वजन तर मानस हमारे एत ही ब्रह्मांड निर्माण करे उपन्यासकार से हो निर्माण करिए लेकिन ब्रह्मा के अपने नहीं पता रही जे केहन निर्माण केला है तो दोसर दोसर जो पढ़िए जैसे महेश और विष्णु वह कही छथिन नीक चेक हम जे संस्था से निकललूँ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ताजुब है वो ट्रेनिंग दै छै जमीन के भीतर के ज्ञान के लेकिन ओकर मोनोग्राम जे छै तैमे जे ओकर स्वास्तिक वर्ड छै उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति बनाने बोधक उठू जागू अहाँके ऊपर जे अपर संसारी जे देख रहल छी से नहि ओकर बियॉन्ड जे संसारी तकरा देखू एहिमे देख कऽ हम जे छै से रहलहुँ 33 बरस सरकारी डंडा घुमेला के बाद जहन हमरा ज्ञान प्राप्त भेल धन सुजाता जहन के हाथ के खीर कयलनि गौतम बुद्ध तक ज्ञान प्राप्त भेलनि तहिना 33 बरस सरकारी डंडा घुमेला के बाद ओकर छक्का पंजा देखला के बाद हमरो ज्ञान प्राप्त भेल हमर संगी छला प्रभास प्रभास भैया लेखकक पाँचम उपन्यास उपन्यासिक कृति छै ई पोथी नारी के संघर्ष और नारी सशक्तिकरण एकर मुख्य विषय छै और ओ जे नारी के संघर्ष छै समाज में जे अनेक प्रकारक नारी के शोषण होइत रहै छै विशेषतः जे से ओकर से शारीरिक शोषण तकर विरोध में ठाढ़ एकटा नारी अहिल्या तकर जे से संघर्षक कथा अछि सरफराज आलम बीटीएन न्यूज विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित मिथिला विभूति पर्व समारोह के सफलतापूर्वक समापन उपरांत संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी ने अपने सुझाव मीडिया से साझा किए विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित मिथिला विभूति पर्व समारोह के सफलतापूर्वक समापन उपरांत संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी ने तमाम कलाकारों सहयोगी सदस्यों को साधुवाद दिया धन्यवाद दिया अटल जी के नेतृत्व में 6 जून 2003 के घोषणा पत्र लिखने थी 16 अगस्त के अडवाणी जी के कहलिए एक डेलीगेशनों के बाद राजफिल्म में कखन तो जो जखन से ओ हमर आयल छला समाचार से मैथिली में प्रकाशन हो कहलखिन भैया अब क्या करना है रद्दी जब कह दिए नीतीश जी के पूजा पर उमा बाबू सेहो मौजूद छला मैथिली अष्टम अनुसूची ले आगा बढ़ कर कलखिन और फिर एतो आबि कर समाचार से शुरू कऽ दलखिन मैथिली में प्रादेशिक समाचार मैथिली में कऽ दलखिन हम एक डीडी जे सरकारी न्यूज जे किछु अछि तकरा यदि माइनस कऽ देबै तऽ ई जते चैनल छै से गरीब गुरबा सँ ऊपर पूछबै तऽ प्राइवेटे लोक वीरेंद्र कुमार बीटीएन न्यूज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन हेतु आवेदन फॉर्म लिया गया वार्ड नंबर 21 इमामबाड़ा मुफ्ती मोहल्ला में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन हेतु आवेदन फॉर्म लिया गया वार्ड 21 इमामबाड़ा मुफ्ती मोहल्ला में वार्ड पार्षद मधुवाला सिन्हा के साथ मौजूद थे नानक इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर राजकुमार महिलाओं से संबंधित है हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं
2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गैस कनेक्शन देने का शुरुआत किया था। उस समय सरकार ने 3 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला लाभार्थियों को देने का निर्णय किया था, जो बाद में बढ़कर 5 करोड़ फिर अभी 8 करोड़ की योजना चल रही है। ये कनेक्शन महिलाओं को क्यों दिया गया? महिलाओं का बहुत से परिवार ऐसे हैं जो गैस कनेक्शन नहीं खरीद पाते थे, जो गरीब परिवार है वो नहीं खरीद पाते थे गैस कनेक्शन, तो उनको सम्मान सम्मानजनक जीवन से जीने के लिए उनको सम्मान देते हुए उनका, देखिए आप जब गैस के खाना नहीं बनाते थे तो आप जिस कोयले पे या लकड़ी पे जैसे भी खाना बनाते हैं उसमें धुआं होता है, तो सुरक्षा वाला सबको मिला है। नंबर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं है। अच्छा, आप नंबर लगाते हैं तो घर पे पहुंच रहा है? जब आपके पास गैस नहीं था तो आप खाना कैसे बनाते? लकड़ी पर बनाते थे, आप गैस पर बनाते हैं, क्या अच्छा लगता है? पहले अच्छा लगता था, अभी अच्छा लगता है? समय बचता? हाँ समय बचता है। अगर जल्दी सरफराज आलम, बीटीए न्यूज। दीपक टेक्सटाइल थोक वस्त्र विक्रेता की ओर से लकी ड्रॉ पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। दीपक टेक्सटाइल थोक वस्त्र विक्रेता की ओर से लकी ड्रॉ निकाला गया, साथ ही पुरस्कार भी वितरित किए गए। सरफराज आलम, बीटीए न्यूज। बीटीए न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, वक्त ब्रेक का है। यूरोस्टोन रिसर्च सेंटर अत्याधुनिक मशीन एवं समस्त सुविधाओं के साथ किडनी और मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक। डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व किडनी और मूत्र रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, VIP रोड अलरपट्टी, मोबाइल 0627224025725050408930893010, व्हाट्सएप नंबर 9262948578। के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI ICSI सेंटर
तकनीक कुशल अनुभवी और समर्पित टीम एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्टेरोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरिया सराय दरभंगा। डॉक्टर रूही आसमी निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इससे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए एक मंच पर एकजुट हुए साधु संत, एक सुर में कहा शीघ्र होना चाहिए भव्य मंदिर निर्माण। सत्ताईस नवंबर से शुभारंभ होने जा रहा श्यामा नामधुन नवा यज्ञ, 1000 अर्थकन्याओं द्वारा निकलेगी कलश शोभा यात्रा। और पेंशन अदालत लगाकर संस्कृत विश्वविद्यालय में पेंशनों की सुनी फरियाद, कुलपति ने समाधान का दिया आश्वासन। हलवाई समाज संगठन की बैठक अजय प्रसाद साह की अध्यक्षता में आयोजित हुई सुंदरपुर बेला में। जैसे इससे पहले बहुत साल पहले भी एक हम लोग शुरुआत किए थे जो काफ़ी दिनों तक नहीं चल सके, 6 महीना जाते जाते तक। इसके लिए हम लोग फिर ये प्रस्ताव रखे थे कि अब जो शुरू करें तो इसको लगातार रखें, तो इसके लिए आप सब लोग सहयोग करेंगे तभी जो है ये चल सके। ये बहुत वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। दलित मुसलमानों के उपयोगी पुस्तक मेला का आयोजन किया गया महाराज लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में। इस अवसर पर डॉक्टर अयूब राय लिखित शोध पुस्तक भारत के दलित मुसलमान खंड 2 का लोकार्पण किया गया। दलित मुसलमानों के उपयोगी पुस्तक मेला का आयोजन किया गया महाराजा लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में। इस अवसर पर डॉक्टर अयूब राय लिखित शोध पुस्तक भारत के दलित मुसलमान खंड 2 का लोकार्पण किया गया, संपादक जन मीडिया के प्रख्यात पत्रकार अनिल चमरिया के हाथों। प्रतिष्ठा की पहले बात कर लीजिए, जाति तो आपको आपके खानदान से मिलेगी भाई। हमारे बाप दादा पूर्वज जो जाति हमको दे करके गए वो हम बने हुए हैं, हमको बदलने का बड़ा अधिकार भी नहीं है। अगर समाज में हम बदल भी लेते हैं तो पता नहीं हमसे कितना बदल पाएंगे, ये नहीं पता हमको। अयूब राय इसको बाहर ध्यान देते हैं, बात मैं खत्म करूंगा। अयूब राय के लिए नहीं बल्कि सभी लोग बैठे हुए तमाम लोगों के लिए, दुष्यंत प्रसिद्ध कवि है सभी लोग जानते हैं। इस समीक्षा को समाप्त करते हुए मैं दुष्यंत की 2-3 पंक्तियां रखूंगा और अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूंगा। दुष्यंत ने कहा था सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सभी लोग जानते हो यहाँ बैठे जितने लोग हैं, बहुत बड़े खास तहरीक चलाने वाले लोग, आंदोलन चलाने वाले लोग इन पंक्तियों को जरूर कोट करते हैं। विनय जी बैठे हुए सामने, विनय जी, मैं दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ मैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, दलित मुसलमानों का मेला लगा है, दलित मुस्लिम समाज एक संस्था उसके द्वारा लगाया गया, और इस मौके पर मेरी किताब, पहले मैं बता दूं मैं मोहम्मद अय्यूब राय, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब राय, और मेरी किताब है भारत के दलित मुसलमान, उसका ये दूसरा खंड है, इसी का आज लोकार्पण भी है, इस पुस्तक का आज लोकार्पण है, और इसी में दलित मुस्लिम समाज के विभिन्न जातियों के लोग गांव-गांव से दूसरे जिले से भी यहां आए, तो सभी का ये आने से यह कार्यक्रम आज कामयाब हो पाया, सफल हो पाया। आज का यही प्रोग्राम है कि दलित मुसलमानों का मेला, इसके पुस्तक लोकार्पण। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया बेता स्थित हनुमान मंदिर के निकट। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया बेता स्थित हनुमान मंदिर के निकट।
ब्रेकथ्रू प्रोडक्ट लेके आए हैं और उनसे हमारा जबकि एमएलएम सिस्टम से है, और मैं बता देता हूँ कि जो वो जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो हर्बल प्रोडक्ट्स है, जिसमें ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि हम उसमें कोई केमिकल नहीं मिला सकते या और चीजों का मिलावट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आईएमसी में क्या है, 100% ऑर्गेनिक है, इसमें किसी और भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट्स हो या अल्कोहल है इसका मिलावट नहीं कर सकते, जो कि हमारे शरीर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता हो। इसलिए इस कंपनी को भारत में पहली ऐसी कंपनी है जिसको WHO, HACCP, ISO हलाल सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, और ये पूरे विश्व में WHO सर्टिफिकेट लेकर के इसके प्रोडक्ट पूरे विश्व में परचम लहराने के लिए तैयार है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। RDX डांस एकेडमी की ओर से बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण ले रहे नन्हे मुन्ने बच्चों ने समूह डांस में अपनी प्रतिभा दिखाई। डायरेक्टर पिंटू राज ने बताया कि ऐसे आयोजन से प्रतियोगियों का मनोबल ऊंचा होता है। RDX डांस एकेडमी की ओर से बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण ले रहे नन्हे मुन्ने बच्चों ने समूह डांस में अपनी प्रतिभा दिखाई। डायरेक्टर पिंटू राज ने बताया ऐसे आयोजन से प्रतिभागियों का मनोबल ऊंचा होता है। BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार, विदा लें आपसे, इससे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए एक मंच पर एकजुट हुए साधु संत, एक सुर में कहा शीघ्र होना चाहिए भव्य मंदिर निर्माण। सत्ताईस नवंबर से शुभारंभ होने जा रहा श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ
1000 कन्याओं द्वारा निकलेगी कला शोभा यात्रा। और पेंशन अदालत लगाकर संस्कृत विश्वविद्यालय में पेंशनों की सुनी फरियाद, कुलपति ने समाधान का दिया आश्वासन। ये थे अब तक के समाचार, विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।